यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी सब्सक्राइबर बंधु और श्रोताओं और भक्तजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो श्रोताओं, मैंने राजा नल के भाग 8 तक आपको बताया है कि किस प्रकार से राजा नल को उसके मामा समुद्र में धक्का मार करके रानी गजमुदनी को लेकर के दक्षिणपुर में आ जाते हैं और दक्षिणपुर में आकर के रानी मंझा से कहते हैं और रानी गजमुदनी से कहते हैं कि आपका जो राजा नल है वो पीछे वाले जहाज में आ रहा है और वो हमसे 50 कोस पीछे है, वो कल शाम तक आपके घर पर आ जाएगा। उधर राजा वीरसेन ने उस बनिया के पुत्रों पर जो चौपड़ पासे की 16 गोटियां होती हैं उनमें से 15 गोटियां मंगवाई थी और एक मोचड़ी मंगवाई थी, तो मोचड़ी वो गजमुदनी के पास से लेकर के और गजमुदनी को साथ में लेकर के रानी मंझा से कहते हैं कि हम नरवरगढ़ के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर नरवरगढ़ में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा दंगल है, बहुत बड़ी वीरसेन की कचहरी लगी हुई है, उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं और ये नई नई आपकी बहू है जो गजमुदनी है, इसको भी हम हमारे राज्य की सैर करा के ले आएंगे। तो नरवरगढ़ का नाम सुनकर के रानी मंझा सोचने लगती है कि मैं इनसे कुछ कहूँगी तो ये उल्टा पुल्टा समझ जाएंगे और मेरे बारे में पता चल गया तो राजा वीरसेन राजा प्रथम मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो अपने भाइयों से राजा नल के मामाओं से कुछ नहीं कहती है और राजा नल के मामा रानी गजमुदनी को लेकर के राजा वीरसेन के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा वीरसेन दरबार में गजमुदनी को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और बनियाओं के पुत्रों से कहता है कि आपको जो मैंने चौपड़ पासे के खेल की जो 15 गोटियां थी वो मंगवाई थी वो लाए या नहीं लाए, जो मोचड़ी थी वो आप लाए या नहीं लाए। तो श्रोताओं, बनिया पुत्र कहते हैं कि महाराज आप तो कहते हैं 15 गोटियां और मोचड़ी की, हम मोचड़ी को पहनने वाली ही आपके सामने लेकर के आए हैं, ये आपके लिए उपहार स्वरूप हम आपको भेंट करने आए हैं। गजमुदनी का चेहरा देख करके राजा वीरसेन एकदम से गस खाकर गिर जाते हैं, इतनी सुंदर नारी मैंने आज तक नहीं देखी। तो श्रोताओ, आगे क्या होता है, सारी बातों को भूल जाता है राजा वीरसेन और बनिया के पुत्रों को इनाम देकर वहां से भगा देता है और रानी गजमुदनी से कहने लगता है, हे रानी, आपके रूप सौंदर्य के सामने सारे संसार की स्त्रियां बेकार हैं और मेरे यहाँ पर 100 रानियां हैं लेकिन आपके समान कोई नहीं है, सारी रानियां आपके चरणों के धूल के समान भी नहीं हैं और मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। तो गजमुदनी कहती है कि महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी एक मन की इच्छा है, अगर आप वो पूरी करवा दें तो मैं आपसे शादी के लिए मना नहीं करूंगी। तो राजा वीरसेन कहते हैं, हमारा राज्य इतना बड़ा है, इसमें हमारा राजपाट चलता है, बताओ आपकी कौन सी इच्छा है, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। रानी गजमुदनी कहती है कि हे महाराज, मैं नल पुराण इतिहास सुनना चाहती हूँ, राजा नल की कथा सुननी चाहती हूँ। राजा नल का नाम सुनकर के राजा वीरसेन सोचने लगते हैं, ये कौन सा राजा हो गया, आज तक मैंने कोई ऐसा राजा नहीं सुना। राजा वीरसेन कहते हैं कि मैं सारे विद्वान पंडितों को बुलवाता हूँ और आपके लिए नल पुराण सुनवाने की कोशिश करवाता हूँ। राजा वीरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितने भी ब्राह्मण पंडित हैं वो एक एक करके हमें नल पुराण इतिहास सुनाए, लेकिन किसी के भी बस की बात नहीं, कोई क्या कथा सुनाता, कोई क्या कथा सुनाता, लेकिन नल पुराण की कथा किसी के बस की बात नहीं थी। तो श्रोताओं, ऐसे चलते चलते वहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ से अब आपको लेकर चलते हैं राजा नल के साथ क्या होता है जब उनको समुद्र में धक्का मार दिया था। तो श्रोताओं, राजा नल घूमासुर दानव को मार करके आए थे तो वहाँ पर वो अपने गले में 7 मणियों की माला को पहन करके आए थे, तो जैसे ही उसके मामाओं ने समुद्र में उसको धक्का मारा तो 7 मणियों के प्रभाव से समुद्र का नीर था, समुद्र का पानी था, वो
जगह बनाता हुआ चला गया, रास्ता देता हुआ राजा नल को चला गया। और राजा नल सीधा जा करके नाग लोक में पहुंच जाते हैं, जहां पर नाग ही नाग, नागों का बसेरा, जिधर देखो उधर नाग। लेकिन राजा नल इतने कांतिमान थे कि उनके शरीर से सूर्य के प्रकाश के तेज के समान किरणें निकल रही थी। उनके तेज को देख करके सारे नाग एक तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं और उनमें हाहाकार मच जाता है कि पता नहीं ये कौन योद्धा आया है और हमारे राजा को मौत के घाट उतारकर हमें बंदी बनाने आया है। ये देख करके सारे जो संतरी मंत्री थे नागों के, वो जाकर के अपने प्रधान सेनापति राजा वासुकी के बेटे तक्षक के पास पहुंच जाते हैं और तक्षक के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि महाराज, हमारे राज्य में, हमारे नागलोक में और एक बहुत ही बड़ा योद्धा आया है और वो शायद हमारे राज्य को अधीन कर लेगा और हमें बंदी बना लेगा और हमारे कई नागों को मौत के घाट उतार देगा, तो हमारी रक्षा करें प्रभु, उस इंसान से, उस योद्धा से हमारी रक्षा करें। ये सुन करके तक्षक वहाँ पर आता है, लेकिन साथ उसके गले में मणियों की जो माला थी उसको देख करके डर जाता है, क्योंकि मणियों के सामने नागों की पेच नहीं खाती है। जैसे ही राजा नल रास्ते पर चल रहे थे, उन बगीचों में जा रहे थे, तो तक्षक बहुत जहरीला और बुद्धिमान सांप था, तो वो एक लकड़ी का रूप लेकर के और रास्ते में बैठ जाता है। तो श्रोता, लकड़ी के ऊपर मणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो श्रोता, जैसे ही राजा नल वहां होकर के निकल रहा था, तो लकड़ी का एकदम से सांप बनता है और सांप बनकर के राजा नल के पैर में काट लेता है। पैर में काटने के पश्चात राजा नल को चक्कर आने लगते हैं और चक्कर आते आते जब उसको ज्यादा चक्कर आते हैं तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, वहीं नागलोक के एक बगीचे में बैठ जाते हैं। तो उनके जैसे ही सर में दर्द होने लगता है और उनको लगने लगता है कि मुझे नाग ने डस लिया है, तो वो सोचने लगते हैं, हे प्रभु, मेरी माँ रानी मंजा का क्या होगा और मेरी नवविवाहिता, मेरी पत्नी गजमुदनी का क्या होगा, ये सोचने लगते हैं। तो श्रोता, क्या होता है, जैसे ही तक्षक का जहर राजा नल के शरीर में प्रविष्ट होता है, तो राजा नल के मुँह से झाग आने लगते हैं और राजा नल के पंख पखेरु उड़ जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो श्रोता, एक समय 4-5 दिन बाद राजा वासुकी, जो राजा नल के मित्र थे, घूमासुर दाने की कैद से राजा नल ने वासुकी को छुड़ाया था, वो पगड़ी पर तैयार थे, घूमते घूमते एक दिन उसी बगीचे में आ जाते हैं और बगीचे में आकर के देखने लगते हैं कि किसी इंसान की लाश पड़ी हुई है। लाश को देख करके वासुकी एकदम से चकित रह जाते हैं और उसके नजदीक जाकर देखते हैं तो वासुकी का कलेजा मुंह को आ जाता है। देखते हैं कि राजा नल मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और उनका शरीर नीला पड़ गया। वो देखते ही पहचान जाते हैं कि इसको किसी नाग ने डस लिया है, मेरे दोस्त को कोई नाग खा गया है, कोई नाग डस गया है। अपने मित्र की ये हालत देख करके राजा वासुकी को बहुत तेज गुस्सा आता है और क्रोध में आकर के वहां पर विलाप करने लगते हैं। सभी नागों को इकट्ठा करके उनसे कहते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र नल को डसा है, वो यहाँ पर आगे आ जाए, वरना मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ये फरमान सुनकर के सारे नागों के पैरों तले जमीन निकल जाती है और सोचने लगते हैं कि अब तो हमारा नंबर सबसे पहले आएगा मरने का। लेकिन सभी नाग हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज, हम इसको कोई असुर समझ रहे थे कि ये हमें मार करके हमारे राज को अधीन कर लेगा और हमें बंदी बना लेगा, इसलिए हमने आपके बड़े बेटे तक्षक से प्रार्थना करी थी कि आप हमारी रक्षा इस राक्षस से करें। तो महाराज, तक्षक ने इनको डस लिया और वो ही इसकी मौत के कारण है। ये बात सुनकर के राजा वासुकी अपने प्रधान सेनापति और अपने बेटे तक्षक को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, चाहे विधि का विधान बदल जाए, लेकिन मेरा मित्र राजा नल जीवित होना चाहिए। ये सुनकर के तक्षक कहने लगे कि महाराज, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो सकता है। तो राजा वासुकी बोले, अगर ये जिंदा नहीं हो सकता, आप सबको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर के तक्षक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और हाथ जोड़ करके राजा वासुकी से कहते हैं कि पिताश्री, मुझे
बचपन में तपस्या करते हुए भगवान शंकर ने एक वरदान दिया था कि आपका डसा हुआ व्यक्ति अगर मर जाए तो 7 दिन बाद भी जीवित हो सकता है, अगर आप चाहें तो। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे उस वरदान को साबित करने की। तो श्रोताओ, जैसे ही प्रधान सेनापति तक्षक राजा नल मरे हुए नल के पास आते हैं और जहाँ पर उन्होंने उस जिस स्थान पर डसा था उसी स्थान पर अपना मुंह लगा करके उसके जहर को खींच दिया। जहर को खींचने के पश्चात राजा नल की आंखें खुलने लगती हैं और वो जीवित हो जाते हैं। तो श्रोताओ, जैसे ही वो जीवित हो जाते हैं तो राजा वासुकी अपने मित्र को जीवित हुआ देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं कि बोलो भगवान शंकर की जय, मेरे मित्र राजा नल जीवित हो गए हैं। इससे बड़ा खुशी का समय मेरे जीवन में कभी नहीं आया था और ना ही आएगा। तो श्रोताओ, पूरे साजबाज और रथ भैलियों को जोड़ करके और राजा वासुकी अपने मित्र को बैठा करके अपने राजमहलों में ले जाते हैं और राजमहलों में ले जाने के बाद में उसको 36 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और अच्छे भोजन करा करके और उनको वहीं पर आराम कराते हैं और अपने पुरानी बातों को ताज़ा करते हैं क्योंकि मित्र मित्र थे। तो श्रोता, इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।